दोस्तों स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट के बायोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा एक्सरसाइज है 19 स्वास्थ्य एवं पोषण मींस हेल्थ और न्यूट्रिशन। तो ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है मेरा, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। और साथ ही फैट को भी कहा जाता है, वसा को भी कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। पर कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? तुरंत देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ईंधन का काम भी कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वही हमको एनर्जी प्रदान करता है। नेक्स्ट है कैप्सूल्स का आवरण बना होता है। जैसे आप कोई कैप्सूल खाते होगे तो कलरफुल होता है ऊपर का कैप्सूल का कलर जो होता है वो, तो वो किसका बना होता है ये पूछा जाता है। वो किसका होता है? स्टार्च का। स्टार्च इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तात्विक ऊर्जा प्रदान करती है? तो शर्करा तुरंत क्या एनर्जी देता है हमको? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अच्छा, आप देखते होंगे चाहे कहीं पे किसी को अगर बहुत दौड़ना रहता है या एनर्जी चाहिए होता है तो क्या पीता है? ग्लूकोज पीता है। ग्लूकोज तो वो हमको क्या देता है? तुरंत एनर्जी देता है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में होता है? तो ग्लूकोज में, याद रखिएगा। और ग्लूकोज के अधिक सेवन करने से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। और डायबिटीज जिसको बढ़ जाएगा उसके लिए कौन सा डिजीज या मीन्स कौन सा उसको उसके इलाज के लिए कौन सा दवाई पड़ेगा उसको? इंसुलिन का, वो भी इम्पोर्टेंट है, इंसुलिन का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शहद में मुख्यतः होता है, तो शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में होता है, शहद हो या अल्कोहल हो, चावल हो, इस समय क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा क्या प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आप देख रहे होंगे कि किसी भी ऑप्शन में वसा नहीं दिया गया है, तो याद रखना अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो वहाँ पे आपको वसा दिया जाएगा, आप उसको वसा में टिक करोगे, ठीक ना। और या नहीं तो कार्बोहाइड्रेट ही इम्पटी दिया ही रहता है वो तो। और ये भी याद रखना है कि प्रोटीन में, विटामिन में और खनिज लवण में ऊर्जा नहीं होता है। आप अगर प्रोटीन बहुत मात्रा में ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि हमको ताकत आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है हमको दूसरे डिजीज से लड़ने के लिए। सबका अलग अलग काम है। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, कोई एनर्जी गिविंग फूड होता है, तो अलग अलग काम है सबका। तो एनर्जी क्या देता है हमको? कार्बोहाइड्रेट। फिर है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो किस फॉर्म में? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन फॉर्म में। फिर एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी या ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो मैंने जिक्र किया था कि एथलीट जो दौड़ने वाले होते हैं, अधिक दौड़ना होता है, तो वो क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोन डी सुनते होंगे, तो ये ग्लूकोज। तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। देखो यहाँ पे वसा दे दिया गया है, वसा। लेकिन वसा क्या होता है? जैसे अगर आप अभी खाओगे ना वसा, तो बहुत देर के बाद आपको एनर्जी मिलेगा। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। अभी पियो, जैसे आप कहीं से थके हुए आए हो और ग्लूकोन डी पियोगे तो क्या होता है? इंस्टेंट हमको थोड़ा राहत मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है, उसका मुख्य कारण क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय। देखो इसका और भी कारण है, मीन्स थकान जो होता है तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय, ये भी होता है, ठीक ना। लैक्टिक एसिड हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, तो आपूर्ति में कमी लिखा है, ये गलत है। ऑक्सीजन की आपूर्ति रहता तब सही होता, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? ग्लूकोज हमारे शरीर में कम हो जाता है जिसके कारण हम थक जाते हैं। अगर लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड आलस होता है हमको, आलस आएगा लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब ऑक्सीजन का कमी होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखो आया इसमें पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो हाई रैंक का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को रिलेट करता है कौन सबसे अच्छा होना चाहिए, इसमें ग्लूकोज का अवक्षय है। फिर रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त करता है, मीन्स ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा होता है वो किसमें व्यक्त किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो किसमें व्यक्त किया जाता है? प्रति मिलियन में, प्रति भाग प्रति मिलियन में। नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए
कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए चाहिए 20 एमिनो अम्ल। कितने? 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो उत्तक का निर्माण होता है प्रोटीन से, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि इससे क्या होता है, उत्तक का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं, शरीर का निर्माण करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये मैं बार बार बोल रहा था। फिर है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है एंजाइम। फिर जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? एंजाइम। एंजाइम, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने के लिए क्या करते हैं, जैसे खाना तेजी से पचना हो, शरीर में खाना नहीं लग रहा है, डॉक्टर के पास लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा, तो क्या मिलता है उनको, एंजाइम दिया जाता है ताकि भूख लगे अधिक, खाना सूट करे शरीर में, इस सब के लिए। फिर अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, अल्फा कैरोटीन याद रखना है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना होता है, 42%, 42% याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, 42%, और सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दलहन में, ये तो ठीक है, पर सबसे अधिक प्रोटीन सबसे अधिक किसमें, तो किसमें होता है, सोयाबीन, सोयाबीन में, और सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन के कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापापन, ये भी याद रखोगे। फिर किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मीन्स दाल दूध और मांस में प्रोटीन होता है, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तभी मैंने बताया सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, और कितना होता है, 42%, ऐसा नहीं कि सबसे अधिक है तो 90% होता होगा, ऐसा नहीं है, 42% होता है। नेक्स्ट, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, जो शाकाहारी होता है, जैसे जो मांसाहारी होता है वो क्या करेगा, मीट खा लेगा तो उसको प्रोटीन आ जाएगा, पर जो शाकाहारी को सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है दाल से, दाल से, दूध से के साथ कन्फ्यूज नहीं करना है, दाल में अधिक प्रोटीन होता है। फिर यह प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, तो सब प्रमुख स्रोत क्या है, सोयाबीन, ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, सोयाबीन, इसको ना, इसका नाम नहीं भूलना है, सोयाबीन। फिर मानव शरीर में वसा जमा होता है, मानव शरीर में जो फैट जो जमा होता है, रिस्टोर होता है, वो कहाँ पे होता है, वो होता है वसा उत्तक में, वसा उत्तक। नेक्स्ट है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है, वो क्या करता है, शरीर की ऊष्मा का क्षय, मीन्स क्षय होने से बचाता है, एनर्जी बढ़ाता है ये। फिर ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, तो ऐसा वह क्यों कर पाता है, क्योंकि अपने कुंवर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करता है, उसमें क्या होता है, वसा ही होता है, याद रखिएगा, कभी प्रश्न अगर ये आए कि ऊंट के कुंवर में क्या होता है, तो क्या होता है, वसा ही होता है, फैट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, तो पहले भी पढ़े हैं, सबसे अधिक ऊर्जा किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, पर यहाँ पे तुरंत ऊर्जा की बात नहीं की जा रही है, ठीक ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, वसा मारेंगे। देखो, एनर्जी सबसे अधिक होता है वसा में, सबसे अधिक अगर बात करें हम, तो लेकिन वो क्या करता है, तुरंत आपको एनर्जी नहीं देता है, तो अगर ऐसा जिक्र किया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, जो जल्दी एनर्जी देने के लिए तब कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम वसा का प्रयोग करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ क्या होना चाहिए, वसा होना चाहिए, वसा, फैट। फिर विटामिन, अगर वसा नहीं होता तब कार्बोहाइड्रेट बनना सही था। फिर विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया जाता है, तो विटामिन शब्द का जो फर्स्ट नाम लिए थे वो कौन किए थे, फंक, फंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फंक। विटामिन कौन कौन सा होता है, ए बी सी डी और ई और के भी होता है, ठीक ना, सबका अलग अलग यूज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो ऊर्जा इसमें से किससे प्राप्त नहीं होता ये पूछा जाता है, क्या होता है, विटामिन से बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, देखो प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, पर जब विटामिन दे दिया हो ना, तो विटामिन से में बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रोटीन में थोड़ा बहुत होता भी है,
तो विटामिन हमारा आंसर होगा। अगर विटामिन नहीं दे तब प्रोटीन पे टिक लगाओगे, नहीं तो विटामिन पे टिक लगाओगे। और इसमें तो होता ही है बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसको? विटामिन को। विटामिन ये क्या करता है? प्रतिरक्षा का काम करता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में क्या होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, इसको हम बोल सकते हैं। कहाँ पे होता है वो? यकृत में। यकृत में विटामिन ए रिस्टोर रहता है। फिर रतौंधी का प्रमुख कारण किस विटामिन के कारण होता है? देखो आँख से कोई भी डिजीज हो रिलेटेड, वो होगा विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए उपलब्ध होता है, विटामिन ए जो होता है वो कहाँ से हमको मिलेगा? तो वो मिलेगा गाजर से। कहाँ से मिलेगा? गाजर से। और सबसे अधिक लोहा फेरॉन कहाँ से मिलेगा? वो मिलता है पालक साग से, ये भी याद रखना। फिर थायमीन, थायमीन जो होता है किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का? तो विटामिन बी का, या विटामिन बी वन भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। विटामिन बी वन को थायमीन कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोबाल्ट जो होता है वो कौन से विटामिन में होता है? वो होता है विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व, बेल जो हम लोग खाते हैं बेल, तो उसमें होता है ये विटामिन बी ट्वेल्व कोबाल्ट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मद विटामिन है? कौन सा है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। साइनोकोवाल्मीन, ये जो साइनोकोवाल्मीन है ये पूछा जा रहा है कि किसका नाम है, ये है विटामिन बी ट्वेल्व का। साइनोकोवाल्मीन विटामिन बी ट्वेल्व का। फिर है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, मीन साइट्रिक एसिड की बात की जा रही है यहाँ पे, तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, मीन्स घाव को भी ठीक करने के लिए, घाव भरने में यूज किया जाता है, तो वो कौन सा होता है? विटामिन सी। इसका नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने की समस्या उत्पन्न होती है? तो वो होती है विटामिन सी के कारण। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने कई बार जिक्र किया, एस्कर्विक एसिड, साइट्रिक, सॉरी एस्कर्विक अम्ल या एस्कर्विक एसिड। फिर एस्कर्विक अम्ल क्या है? तो यहाँ पे पहले से मैंने पढ़ा है, ये क्या है? एक विटामिन है, और वो भी क्या है? विटामिन सी है। नेक्स्ट है, दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी के कारण। फिर किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है, जो हमको सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी हमको मुख्यतः कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। फिर प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो वो कौन सा होता है? विटामिन डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत में तेल में प्रचुरता होती है किसकी? विटामिन डी। विटामिन डी। फिर है विटामिन डी के सर्जन के रूप में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सियम से कैल्सीफेरॉल बना है, ठीक ना, कैल्सीफेरॉल। फिर है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, विटामिन ई विशेषता किससे या किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, और कभी कभी आपको ऑप्शन में स्किन डिजीज से भी दे दे, तो ठीक ना, तो स्किन के लिए भी ये हेल्पफुल है, वैसे लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। नेक्स्ट है, रक्त स्कंदन मीन्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो कौन सा होता है? विटामिन के। कभी कभी आपको प्रश्न ये भी आएगा कि रक्त या ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स, ये वर्ड भी याद रखना, प्लेटलेट्स। तो 50 वर्ड मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करता हूँ, इस मीन्स इस एक्सरसाइज का, काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है, तो अप्रॉक्स 150 प्रश्न है, तो मैं 3 सीरीज में इसको लेके आ जाऊँगा, काफ़ी छोटा छोटा, ताकि वीडियो बने, इंटरेस्टिंग रहे और पढ़ाई इतना ही हो ताकि आपको याद भी रह जाए। एक वीडियो में अगर मैं बहुत सारा प्रश्न कवर कर लूँ तो फिर आपको याद करने में दिक्कत होगा। तो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके बताइए मुझे, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दूसरा वीडियो आप नहीं देखे हो लूसेंट का, तो मैंने सारा बिना के डाल दिया है इस पर, हर सब्जेक्ट का, तो उसको देख लेना, क्योंकि अगर आप सरकारी तैयारी कर रहे हो सरकारी जॉब की, तो लूसेंट काफ़ी बेनिफिशियल होता है, एक बेस होता है आपका, ठीक ना, तो वो कर लेना जरूरी है।
तो देख लेना उस सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।